साउथ कोरिया में पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने मंगलवार देर रात हिरासत में रहने के दौरान आत्महत्या की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक कानून मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह बताया कि किम योंग ह्यून खतरे से बाहर हैं। फिलहाल उन्हें एक सेल में रखा गया है जहां पर वे सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने यह कहा है कि किम ने आधी रात से कुछ पहले सियोल स्थित डोंगबू डिटेंशन सेंटर में बाथरूम में आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जबकि उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। वही रिपोर्ट के मुताबिक जब ये घटना हुई उसी दौरान पुलिस की एक टीम राष्ट्रपति योन सुक योल के ऑफिस में छापेमारी कर रही थी और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर यूनिट देश में मार्शल लॉ लगाने में राष्ट्रपति की भूमिका की जांच कर रही है। इससे पहले भी 9 दिसंबर को राष्ट्रपति यून के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यून पहले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति हैं जिन पर पद पर रहते हुए देश छोड़ने पर बैन लगा है। बता दें कि साउथ कोरिया में 3 दिसंबर को राष्ट्रपति यून सुक योल ने रक्षा मंत्री किम के साथ मिलकर देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि ये 6 घंटे ही चल पाया था।